नमस्कार साथियों, बीए फर्स्ट ईयर के भौतिक भूगोल के प्रथम चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लेक्चर नंबर 6 में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले स्रोतों में प्राकृतिक और अप्राकृतिक स्रोतों का महत्व, उनकी जानकारियाँ जुटा रहे थे। हमने अप्राकृतिक स्रोतों का घनत्व, दबाव, तापक्रम का अध्ययन किया और प्राकृतिक स्रोतों में हमने भूकंप के बारे में, ज्वालामुखी के बारे में पढ़ा। द्वितीय स्रोत, प्राकृतिक स्रोत जो पृथ्वी की आंतरिक क्रियाओं से संबंधित है, वह है भूकंप। वास्तव में पृथ्वी की अधिकतम गहराई 2900 किलोमीटर की गहराई तक, अगर पृथ्वी की आंतरिक संरचना की के विषय में जानकारी देने में कोई सक्षम है चीज़, तो वो भूकंप विज्ञान की, सीज्मोलॉजी की, तरंगों में इस प्रकार की तरंग है, उससे हमें आंतरिक संरचना की जानकारी प्राप्त होती है। भूकंप, उसके बारे में आप जानिए, वास्तव में भूकंप होता क्या है। भूकंप प्रकृति की जो क्षणिक संतुलन की व्यवस्था है, उसमें हुआ असंतुलन या परिवर्तन होता है। जैसे धरातल पर कंपन महसूस होता है, वही भूकंप होता है। धरातल की कंपन की स्थिति को अपन भूकंप कहते हैं। और वो कंपन क्यों होता है? वो धरातल स्वयं विभिन्न आंतरिक क्रियाओं, गतिविधियों के माध्यम से अपने आप को संतुलित करने का प्रयास करता है। तो संतुलन की व्यवस्था में क्षणिक असंतुलन की अवस्था ही भूकंप होती है, जिससे धरातल कंपायमान होता है, कंपन महसूस किया जाता है, जिससे धरातल पर विभिन्न प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं। भूकंप के हानिकारक प्रभाव होते हैं, तो भूकंप के विनाशकारी प्रभाव, लाभदायक प्रभाव भी होते हैं विनाशकारी प्रभाव के साथ में। भूकंप विज्ञान है, सीज्मोलॉजी है। भूकंप और भूकंप विज्ञान, इसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है। भूकंप केवल कंपन होने की क्रिया को कहते हैं, और सीज्मोलॉजी भूकंप विज्ञान में कंपन होने के लिए जो दशाएं होती है, जो बल होते हैं, उन बलों का संचलन और संचलन के बाद में उनके क्रियाशील होने के बाद में धरातल पर कंपन महसूस किए जाने तक की संपूर्ण प्रक्रिया, वो सीज्मोलॉजी में शामिल की जाती है। तो भूकंप के बारे में सर्वप्रथम जो जानकारी है, वो रिचर्ड डिक्शन ओल्डहम के द्वारा दी गई थी। ये जीके का क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा भी जाता है। रिचर्ड डिक्शन ओल्डहम, भूकंप जब किसी क्षेत्र में आता है तो वहाँ पर फोकस और एपिसेंटर, दो मुख्य केंद्र, उनको भी आप समझ लीजिए। धरातल का ऊपरी भाग, जहाँ पर सबसे पहले भूकंप को महसूस किया जाता हो, वो कहलाता है एपिसेंटर, जिसको हिंदी में अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र जहाँ पर भूकंप को सबसे पहले महसूस किया जाता है, यानी उद्गम केंद्र जहाँ पर भूकंप का होगा, कितनी भी गहराई पर हो सकता है, वो चट्टानों की संरचना पर और आंतरिक क्रिया और आंतरिक बलों पर निर्भर करता है कि कितनी गहराई पर उद्गम होगा। लेकिन इस उद्गम, जितनी भी गहराई पर हो, उसके ठीक ऊपर धरातल का वह पॉइंट जहाँ पर सबसे पहले उस भूकंप को महसूस किया जाता हो धरातल पर, तो उसको अपन कहते हैं एपिसेंटर या अधिकेंद्र। और जहाँ से भूकंप की उत्पत्ति होती है, उसको फोकस या उद्गम केंद्र कहा जाता है। तो इन दोनों शब्दों को आप समझिए, फोकस और एपिसेंटर। फोकस का मतलब जहाँ पर उसकी उत्पत्ति होती है, और एपिसेंटर अधिकेंद्र जहाँ पर उसको सबसे पहले महसूस किया जाता है। अब भूकंप की जो उद्गम या उत्पत्ति होती है और उसकी जो तरंगे होती है, वो तीन अलग अलग अंतराल के बाद में प्रवाहित होती है। सबसे पहले भूकंप की उद्गम उत्पत्ति के बाद में एक तरंग है, वह संचालित होगी जो धरातल को कंपायमान करेगी, जिसको रिक्टर पैमाने पर नापा जाता है। रिक्टर पैमाना रिक्टर महोदय ने बनाया था, जिसमें एक ड्रम सा लगा होता है, उसके ऊपर एक सुई लगी होती है, जीरो होता है, एक दो तीन करते हुए 11 तक के मान ऊपर है, एक दो तीन करते हुए 11 तक के मान नीचे है, और धरातल कंपन होता है तो उसके अनुसार वो सुई घूमती है। वो सुई जितनी ऊंचाई तक जाती है, हम उतने रिक्टर पैमाने का भूकंप आने की संज्ञा देते हैं। तो सबसे पहले ये कम महसूस किया जाएगा भूकंप, यानी जो आप हॉस्पिटल में ECG करवाते हैं, वो ECG जो हृदय की धड़कन होती है, उसको भी इसी तरह से वो नोट करती है। तो इस तरह से पहला कंपन, फिर थोड़ा अंतराल, फिर दूसरा कंपन, फिर थोड़ा अंतराल, और फिर तीसरा कंपन आता है, जो बड़ा महसूस किया जाता है धरातल के ऊपरी भाग में। तो इस प्रकार से क्रमशः ये तीन जो कंपन आते हैं,
वो तीन प्रकार की तरंगों के द्योतक होते हैं, ऐसा भी माना जा सकता है। पर सबसे ज़्यादा धरातल को जो तरंगे प्रभावित करती है वो तरंगे होती है एल, लिथोस्फेरिक तरंगे, धरातलीय तरंगे, लव तरंगे या फिर रेले तरंगे जिसको कहते हैं, जिनकी गति सबसे कम होती है लेकिन प्रभाव उतना ही ज़्यादा विनाशक होता है। धरातल पर उतनी ही ज़्यादा जो है विकृतियाँ पैदा होती है, गति कम होती है लेकिन प्रभाव उतना ही ज़्यादा होता है। और सबसे तेज़ गति से चलने वाली जो प्राथमिक तरंगे होती है वो तरंगे, और मध्यम गति की गौण तरंगे जिसको सेकेंडरी वेव्स, ये दोनों तरंगे हैं, इन दोनों को सम्मिलित रूप से बॉडी वेव्स कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह से आंतरिक भाग में संचालित हो जाती है। जो उद्गम केंद्र होता है उस उद्गम केंद्र से आंतरिक भाग की तरफ जाने वाली तरंगे मूल रूप से पी और एस तरंगे होती है, लेकिन इस उद्गम केंद्र से ऊपर धरातल को प्रभावित करने वाली तरंगे होती है वो एल तरंगे होती है, जिसको लिथोस्फेरिक, लव तरंगे या रेले तरंगे कहते हैं। ये धरातल पर धीमी गति होने के कारण है जो ज़्यादा परिवर्तन लाती है। अब हम समझते हैं भूकंप की जो तरंगे होती है इन तरंगों की क्या विशेषताएं होती है, जिससे हम धरातल की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीनों तरंगे प्राइमरी, सेकेंडरी और लिथोस्फेरिक, यानी प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातलीय तरंगे, इन तीनों की तरंगों की अलग अलग चलने की गति और प्रकृति होती है। सबसे पहले पी यानी प्राथमिक या अनुदैर्ध्य तरंगों की बात करें। प्राथमिक इसलिए क्योंकि इसकी गति सर्वाधिक होती है, ये सबसे मुख्य तरंगे होती हैं। इसकी चलने की जो गति होती है वो अनुदैर्ध्य रूप में होती है, जैसे ध्वनि तरंगे चलती है। ध्वनि तरंगे जो हम बोलते हैं, जो ध्वनि आपको सुनाई देती है, जो ध्वनि की तरंगे होती है उसमें तरंगों के जो कण होते हैं, तरंगों के संचलन की जो क्रिया होती है वो एक दूसरे के सामने इस तरह से वो धक्का लगाती हुई चलती है। प्रत्येक कण वो आगे से आगे वो धक्का लगाता हुआ उस ध्वनि को संप्रेषित करता है। तो ये जो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है पी तरंगे, वो भी इसी प्रकार से कार्य करती है जैसे ध्वनि तरंगे करती हैं, आगे पीछे मूवमेंट करती हुई चलती है। इसकी गति सर्वाधिक होती है 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। एक सेकंड में 8 से 14 किलोमीटर तक ये संचालित हो जाती है। इनको भी बॉडी तरंगे कहते हैं। और इसके बाद में द्वितीयक तरंगे, जिनको अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती है वो प्रकाश तरंगों की भांति गति करती है, ऊपर नीचे ऊपर जिग्सा रूप में, ऊपर नीचे ऐसे तरंगे हैं उनमें जो है इस तरह से यूँ, इस तरह से ऊपर नीचे। ये जो रूट है, ये जो तरीका है, ये तरंग दैर्ध्य जो बनाता है, ये तरंग दैर्ध्य प्रकाश तरंगों का होता है। जिस तरह से प्रकाश की तरंगे विभिन्न प्रकार के अलग अलग ऊर्जा के अनुसार चलने वाली तरंगों का तरंग दैर्ध्य बनाता है, और इस तरंग दैर्ध्य को अपन फिजिक्स की भाषा में लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। जितने कम तरंग दैर्ध्य की तरंग होती है उसमें ऊष्मा की मात्रा उतनी अधिक होती है, और जितने बड़े दीर्घ तरंग दैर्ध्य की तरंग होती है उसमें ऊष्मा की मात्रा उतनी कम होती है। ये तो प्रकाश तरंगों की विशेषता है, लेकिन जिस तरह से इनके चलने की प्रकृति है उसी तरह से सेकेंडरी वेव्स, अनुप्रस्थ तरंगे होती है वो संचालित होती है, यानी प्रकाश तरंगों की भांति संचालित होती है। इनकी चलने की गति 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड, सर्वाधिक पी तरंगों की 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड, और फिर दूसरी है वो सेकेंडरी वेव्स द्वितीयक तरंगों की होती है 4 से 7 किलोमीटर प्रति सेकंड। इन दोनों को सम्मिलित रूप से बॉडी वेव्स कहा जाता है। बॉडी वेव्स ये पृथ्वी की उद्गम से आंतरिक भाग की तरफ प्रवाहित होती है, तो इनका मुख्य रूप है वो आंतरिक भाग की तरफ होता है। तीसरी तरंग जिसे धरातलीय तरंग कहते हैं, ये ही तरंग सबसे विनाशकारी प्रभाव छोड़ती हैं, क्योंकि इसकी गति कम होती है और ये धरातल के ऊपरी सतह पर प्रवाहित होती है, और मनुष्य प्रकृति इनकी सभी निर्माण संरचनाएँ, अवसंरचनाएँ, वो सारी की सारी जितने भी जो क्रियाएँ हैं वो धरातल के ऊपर है, वो सबसे ज़्यादा इससे प्रभावित होती है। तो संरचनाएँ सबसे ज़्यादा जो ध्वस्त होने वाली होती है वो इन धरातलीय तरंगों के माध्यम से होती है। इनको लव तरंगे और रेले तरंगे भी कहते हैं। इनका तरंग दैर्ध्य काफ़ी लंबा होता है, इनकी गति बहुत ही कम 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड होती है,
और इनको अपन सरफेस वेव्स धरातलीय तरंगे कहते हैं। पी और एस तरंगों को हम धरातलीय तरंगे नहीं कहते हैं। ये भी एक जीके की बात है, अगर इन तरंगों का नाम आ जाए, कहा जाएगा इनमें धरातलीय तरंगे कौन सी है या बॉडी वेव्स कौन सी है, तो आप ध्यान रखिएगा प्राथमिक और द्वितीय तरंगे इनको बॉडी तरंगे कहते हैं, और एल तरंगे होती हैं ये धरातलीय तरंगे कहलाती है। सबसे विनाशकारी प्रभाव एल तरंगों का होता है। अब यहाँ पर एक खास बात ध्यान देने वाली है, अपन इन तरंगों का अध्ययन कर रहे हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने के रूप में, तो इन तरंगों की ये जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं, इनके अलग अलग गति से चलने की दर यानी स्पीड के कारण हम किस प्रकार से कह सकते हैं कि आंतरिक संरचना कैसी होगी। देखिए ये जो डायग्राम है, इसमें मान लीजिए यहाँ पर ये फोकस है यानी भूकंप का उत्पत्ति केंद्र है, यहाँ से ऊपर धरातल के समीप जो तरंगे प्रवाहित हो गई ये एल तरंगे हुई, इसके बाद में ये पी एस और ये एस तरंग, ये जो है ये एस तरंग मान लो प्रवाहित हो रही है यहाँ पर, ये एस तरंग तरंगे नीचे की तरफ प्रवाहित हो रही है क्योंकि इनको बॉडी वेव्स कहते हैं पी और एस को, लेकिन इस 2900 किलोमीटर के आसपास अचानक कोई ऐसा परिवर्तन होता है चट्टानों की संरचना में, उनके संगठन में और उनके रूप में, कि एस तरंगे होती है उनको अपना मार्ग परिवर्तित करना पड़ता है। सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि एस तरंगों की जो प्रकृति होती है वो ये कि वो तरल में, दुर्बल में, कमज़ोर चट्टानों में प्रवाहित नहीं होती है, ख़ास तौर से तरल में। तरल में ये चट्टाने प्रवाहित, ये तरंगे प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन पी तरंगों की खासियत ये होती है वो किसी भी माध्यम से होकर प्रवाहित हो जाती है। और दूसरी पी तरंगों की ये खासियत होती है कि जो जितना कठोर माध्यम होता है उसमें वो उतनी ही अधिक गति से प्रवाहित होती है। तो पी तरंगे हैं उसके लिए कोई बाध्य रूप नहीं है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में, जिस स्थान पर उद्गम होता है और वो पी तरंगे इस पृथ्वी को भेदकर उसके एंटीपोडल पॉइंट पर मात्र 21 मिनट में निकल जाती हैं। बहुत तेज़ गति से चलने वाली होती हैं, मुख्य प्राथमिक तरंगे होती हैं। लेकिन एस तरंगों की का जो व्यवहार है, एस तरंगों की जो विशेषता है वो ये है कि वो तरल में प्रवाहित नहीं होती है, और इस 2900 किलोमीटर की गहराई पर जो आपने बुल्लार्ड और बुल्लन का जो डायग्राम बनाया था इस पृथ्वी की आंतरिक संरचना में तापक्रम को समझने के लिए, उसमें भी आपने घनत्व, उसका गलनांक और तापमान का जो अचानक परिवर्तन है वो 2900 किलोमीटर की गहराई पर देखा था। वही बात यहाँ पर भी सिद्ध हो रही है कि लगभग 2900 किलोमीटर की गहराई पर एक ऐसा तरल भाग आ रहा है पृथ्वी के बीच में जहाँ से एस तरंगे हैं वो अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है। तो एस तरंगों के मार्ग परिवर्तित करने के बाद में ये जो पूर्ण रूप से भाग है ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र बन जाता है, यानी ये मार्ग परिवर्तित करके इधर आ जाएगी और ये इस तरफ चली जाएगी। एक समय में अगर यहाँ पर हम भूकंप की कल्पना करते हैं तो ये जो भाग है ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र कहलाएगा। तो इसमें ये डिग्री देखिएगा, 103 से 143 तक, ये ध्यान रखा 103 डिग्री से लेकर और 103 डिग्री तक केवल एस तरंगों का छाया क्षेत्र पूछा जाए। यहाँ पर कई जीके के क्वेश्चन बनते हैं, उनको भी आप ध्यान रखिएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा हो कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देने वाली तरंगे हैं तो नाम आएगा एस तरंगे। एस तरंगों की प्रकृति होती है कि वो तरल में प्रवाहित नहीं होती। एस तरंगों का छाया क्षेत्र होता है तो एस तरंगों का छाया क्षेत्र 103 डिग्री से 103 डिग्री, कई किताबों में 103 की जगह 105 भी लिखा हुआ है, तो आप दोनों चीज़ों को ध्यान रखें, 103 से 103 या 105 से 105 के बीच का ये संपूर्ण क्षेत्र है ये एस तरंगों का छाया क्षेत्र हो जाएगा, इसमें एस तरंगे प्रवाहित नहीं होगी। लेकिन इनके बीच में अगर आपसे ये पूछे, क्वेश्चन आ जाए ऐसा कंपटीशन में कि भूकंपीय छाया क्षेत्र होता है, तो भूकंपीय छाया क्षेत्र है वो ये वाला, ये जो क्षेत्र है इसको भूकंपीय छाया क्षेत्र कहते हैं।
अगर मान लो यहाँ पर भूकंप का उद्गम है तो इस भाग में किसी प्रकार की कोई तरंग प्रवाहित नहीं होती है। पी तरंगे इस क्रोड से होते हुए वापस 143, अगर 103 है तो 143 और अगर 105 है तो 145, ठीक है, इन दोनों मानों को ध्यान रखना। 103 से 143 पर निकल जाती है या 105 है तो 145 पर, तो पी तरंगे वापस इस धरातल पर उपस्थित हो जाती है, लेकिन एस तरंगे एक बार डाइवर्ट होने के बाद में वापस नीचे वाले भाग पर नहीं आती। तो दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, एस तरंगों का छाया क्षेत्र 103 या 105 से 103 या 105 डिग्री तक, भूकंपीय छाया क्षेत्र जिसमें किसी भी प्रकार की कोई तरंग नहीं चलती है वो 103 से 143 या 105 से 145, ये वाला जो भाग है इसमें किसी प्रकार की कोई तरंग प्रवाहित नहीं होती है, और पी तरंगे इस कठोर ठोस को पार करती हुई वापस पृथ्वी के दूसरी किनारे पर निकल जाती है मात्र 21 मिनट में। उसको पृथ्वी का एंटी, इन तरंगों का एंटी पोडल पॉइंट कहते हैं। तो यहाँ पर एक विशेष बात निकल के आई कि ये जो एस तरंगों का जो व्यवहार है ये कि वो तरल में प्रवाहित नहीं होती, उन्होंने अपना मार्ग है वो परिवर्तित कर लिया, मार्ग है वो डाइवर्ट कर लिया। तो ये जो 2900 किलोमीटर की गहराई पर है वहाँ पर इनके मार्ग के डाइवर्ट करने की जो गणना है उससे स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा तरल भाग है जिसके कारण ये एस तरंगे अपना मार्ग परिवर्तित कर रही है। और ये बात अपन बार बार दोहरा रहे हैं कि बाहरी भाग कठोर है, बीच में तरल है, और केंद्रीय भाग फिर कठोर है, बाहरी भाग घूमता है, केंद्रीय भाग नहीं घूम पाता जिसके कारण चुंबकत्व में परिवर्तन आता है, वो सारी बातें यहाँ सिद्ध हो रही है। तो इस भूकंपीय तरंगों के आधार पर सरफेस से जो तरंगें निकलती है 1000 किलोमीटर की गहराई पर, पृथ्वी के अंदर 1000 किलोमीटर की गहराई पर पी तरंगों और एस तरंगों का अगर हम कंपेरिजन करें, क्योंकि एल तरंगे होती है वो तो सतह पर आ जाएंगी आंतरिक भाग में, जिसको बॉडी वेव्स कहते हैं, पी और एल ये दोनों तरंगे ही आंतरिक भाग में जाएगी। तो इन आंतरिक तरंगों में यानी इन बॉडी तरंगों में पी और एस का अध्ययन करते हैं, तो सरफेस से 1000 किलोमीटर की गहराई पर पी तरंग है, इसकी 1000 किलोमीटर की गहराई पर पी तरंग की गति है वो 7 किलोमीटर प्रति सेकंड और एस तरंग की गति है वो 5 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन इस 1000 के बाद पी तरंग की गति है वो बढ़कर 11 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। ये जो अपन अध्ययन कर रहे हैं भूकंप विज्ञान का, इसको आप तापक्रम में जो बुल्लन और बुल्लार्ड का आपने जो डायग्राम बनाया था इस तरह का, वो एक यूं करके और यूं, इस डायग्राम को आप ध्यान में रखना साथ में, और इसको इसके साथ मैच करते जाना, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। तो 1000 किलोमीटर की गहराई से पहले पी की गति 7 किलोमीटर होती है, फिर पी की गति बढ़कर 11 किलोमीटर हो जाती है, यानी 1000 के बाद में कोई ऐसा जोन आता है जो कठोर होता है, इसलिए जितनी कठोरता होती उतनी पी की स्पीड बढ़ेगी। और एस तरंगे भी 5 किलोमीटर प्रति सेकंड से 6 किलोमीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है, यानी 1000 किलोमीटर के बाद कठोरता बढ़ती है। ये कठोरता बढ़कर 2900 किलोमीटर तक पहुँचते हैं, तब 2900 किलोमीटर से जस्ट पहले यानी इससे पहले पी तरंगों की गति 13.7 किलोमीटर प्रति सेकंड और एस तरंगों की गति 7.3 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, लेकिन ठीक इसके बाद में ये जो 2900 किलोमीटर है 2900 किलोमीटर के बाद में यहाँ पर ये लिक्विड भाग आ जाता है जो आपने उस डायग्राम में समझा था। तो 2900 किलोमीटर के बाद में ये जो लिक्विड पार्ट आता है जिससे एस तरंगे डाइवर्ट हो जाती है उससे नीचे नहीं जा पाती, तो इसके बाद में 2900 किलोमीटर से और गहराई पर जाने पर ये एस तरंगे तो बिल्कुल लुप्त हो जाती है और पी तरंगे हैं इनकी गति 8 किलोमीटर प्रति सेकंड रहती है। तो इस प्रकार से 2900 किलोमीटर के बाद में एस तरंगे है वो आंतरिक भाग में प्रवाहित नहीं होती है, तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि 2900 किलोमीटर पर ऐसा कोई तरल मंडल अवश्य है जहाँ से एस तरंगे डाइवर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर ये स्पष्ट जानकारी मिलती है कि 2900 से पहले कमज़ोर, कठोर और फिर ये तरल की परत आती है और इसके बाद में फिर कठोर की परत आती है, तो इस तरह से ये क्रमशः परतें हैं वो पाई जाती हैं। तो यहाँ पर है भूकंप विज्ञान के संपूर्ण अध्ययन को अगर सम्मिलित रूप से प्रदर्शित किया जाए तो भूकंप विज्ञान के आधार पर ये 3 परतें निकल के आती हैं पृथ्वी की, जिसको पहली परत जिसको लिथोस्फीयर कहते हैं,
इस लिथोस्फीयर की गहराई है वो 100 किलोमीटर तक मानी जाती है। इसमें मुख्य रूप से ग्रेनाइट चट्टानों की प्रधानता है और इसमें सिलिकन और एल्यूमिनियम भी अधिक पाया जाता है। यानी ग्रेनाइट चट्टानें प्रमुख रूप से, इसकी गहराई 100 किलोमीटर तक है और इसमें सिलिकन और एल्यूमिनियम अधिक पाया जाता है। दूसरी परत की बात करें, इसको पायरोस्फीयर कहा जाता है। भूकंप विज्ञान के अनुसार पृथ्वी की जो तीन परतें हैं, पहली परत लिथोस्फीयर, गहराई 100 किलोमीटर, मुख्य चट्टान ग्रेनाइट, मुख्य तत्व सिलिकन और एल्यूमिनियम। दूसरी परत पायरोस्फीयर, पायरोस्फीयर की गहराई 100 से लगाकर 2880, लगभग 2900, 100 से लगाकर 2880 किलोमीटर तक, मुख्य चट्टान बेसाल्ट और एम्फीबोलाइट। और अंत में केंद्रीय जो तीसरी परत बचती है भूकंप विज्ञान के अनुसार, उसको बेरीस्फीयर कहते हैं, बेरीस्फीयर। इसकी गहराई 2880 से लेकर केंद्र 6371 किलोमीटर तक, और इसमें अत्यधिक कठोर डुनाइट, पेरिडोटाइट और एक्लोजाइट प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना का जो टॉपिक था, उसमें अप्राकृतिक और प्राकृतिक स्रोत थे, उन स्रोतों से हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ा। ये सारे तत्व पुरातन हैं, पुराने रह गए हैं, काफ़ी लंबे समय से पढ़े पढ़ाए जा रहे हैं। इनके बाद में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, IUGG, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेसी एंड जियोफिजिक्स, इन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना का एक अभिनव मत वो प्रतिपादित किया है। वर्तमान में अभिनव मत ही सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है, जो नवीनतम अध्ययनों पर आधारित है। ये बातें भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं जो आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी देती है, और इन्हीं सब तत्वों के आधार पर, इन्हीं को आधार मानते हुए जो नवीन मत प्रतिपादित किया गया है वो अभिनव मत है। तो इस आंतरिक संरचना में इन बाकी तत्वों को तो आपको पढ़ना ही है, लेकिन इस अभिनव मत को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन दो प्रकार से इसमें पूछे जा सकते हैं। एक, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी देने वाले तत्वों का विशद अध्ययन कीजिए, जब आपको ये सारे तत्व हैं डायग्राम सहित बनाने हैं। दूसरा प्रश्न, पृथ्वी के आंतरिक संरचना की जानकारी को अभिनव मत के द्वारा समझाइए, तब आपको अभिनव मत का डायग्राम देके और उसकी जो नवीनतम परतें हैं उन परतों के अनुसार आपको समझाना है। ये तो केवल तत्व थे जो आंतरिक संरचना की जानकारी देते हैं। इसके साथ में बहुत सारे विद्वान हैं, स्वेज का वर्गीकरण है, वांडरग्राफ्ट का वर्गीकरण है, वो सारे वर्गीकरण हैं, वो भी आपको समझने हैं, और उन सब वर्गीकरण के बाद में ये अभिनव मत आएगा। जो नवीनतम वर्गीकरण है वो आपको पढ़ना ही है, समझना ही है, और इसको भी आप साथ साथ नोट करते जाएं, इसको समझें और नोट करें।